नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगी जिससे समझने में कोई दिक्कत ना हो। आज हम पढ़ने वाले हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत। आज हमारा तीसरा दिन है। तो पहले आप ये बताइए कि नैतिक विकास की शुरुआत किसने की थी? तो ये हमारे जीन पियाजे की ने जीन पियाजे ने किया था नैतिक विकास का सिद्धांत। तो और मैकडूगल कहते हैं कि चरित्र अस्थाई भावों की एक व्यवस्था है। तो वहीं रॉस कहते हैं कि संगठित आत्मा ही वास्तव में चरित्र है। मैकडूगल का कहना कुछ और है, रॉस का कहना कुछ और है। ये इम्पोर्टेंट है, दोनों आप इसे नोट करिएगा। पहला हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था में नैतिक विकास, ये क्या होता है? तो बालक में न्याय, विवेक व ईमानदारी के गुणों का विकास हो जाता है और साथ में बच्चा झूठ बोलना, दूसरों की आलोचना करना शुरू कर देता है। जैसे बालक जो है वो न्याय, विवेक, ईमानदारी यानी कि सच्चाई का मतलब कुछ गुणों का में अंदर विकास होता है और साथ में बच्चा बात बात पे हर बात झूठ बोलता है, दूसरों की नकल करता है। इसी को हम बाल्यावस्था में नैतिक विकास कहते हैं। दूसरा हमारा हुआ किशोरावस्था में नैतिक विकास। तो ये क्या होता है? इस अवस्था में बालक नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करता है और दूसरे के साथ अपनी तुलना करना शुरू कर देता है। जैसे इसमें बच्चा जो है ये खुद ही एक सिद्धांत का निर्माण करने लगता है और दूसरों के साथ अपनी कंपेयर करना शुरू कर देता है, जैसे तुलना करता है। इस अवस्था में बच्चा नैतिक सापेक्षता का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। मतलब इसमें बच्चे में जो है नैतिक की प्रारंभ हो जाती है जो किशोरावस्था में जाते जाते हैं। तो जो ये है ये दो तरह से हैं। कौन कौन सा? इन्होंने इसे दो तरह से बताया है, जीन पियाजे ने इसे दो तरह से बताया है। कैसे कैसे? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। तो जीन पियाजे ने इसे दो तरह से बताया है कैसे कैसे, आइए मैं बताती हूँ। तो पहला उनका है बाह्य अधीन नैतिकता, ये क्या है? और दूसरा है हमारा स्वायत्तता नैतिकता। पहला में हमारा हुआ बाह्य अधीन नैतिकता, जो है जो भी हो रहा है भगवान की वजह से हो रहा है। बच्चा इसमें मान लेता है कि जो भी हो रहा है मतलब भगवान की वजह से हो रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, मतलब वो सोच लेते हैं कि जो हो रहा है वो भगवान की वजह से हो रहा है। और जब उस दूसरे में यानी कि स्वायत्तता नैतिकता में वो पहुँचते हैं तो जो भी होता है या जो होने वाला है तो वो खुद की वजह से समझते हैं कि मेरे वजह से हुआ है या जो होने वाला है वो इनकी वजह से होगा, वो खुद को समझने लगते हैं। तो बाह्य अधीन में वो भगवान को वजह समझने लगते हैं और दूसरे में वो खुद की वजह समझने लगते हैं। इन्होंने नैतिक विकास को चार भागों में बांटा है। जीन पियाजे ने नैतिक विकास को चार भागों में बांटा है। कौन कौन सा? तो पहला हुआ हमारा अनामी चरण, जो जन्म से लेके 5 वर्ष तक की होती है। दूसरा हुआ हमारा बाह्य अधीनता चरण, जो 5 वर्ष से लेके 8 वर्ष तक होती है। तीसरा हमारा हुआ, ये भी बाह्य अधीन चरण ही है लेकिन ये 8 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक होता है। और चौथा है हमारा स्वायत्तता चरण, ये 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है। अनामी चरण, बाह्यधीनता चरण, फिर तीसरा भी हमारा है बाह्यधीनता चरण, चौथा है स्वायत्तता चरण। ये हमारे चारों भाग हैं जिसे जीन पियाजे द्वारा बताया गया है। तो पहला जो हमारा हुआ अनामी चरण, जो जन्म से लेके 5 वर्ष है, इसमें बच्चों को नैतिक का अभाव होता है। मतलब वो दूसरों पर ही डिपेंड होते हैं, उनको खुद का वो नहीं हो पाता है। बाह्यधीनता चरण जो 5 से 8 वर्ष की आयु है, इसमें पुरस्कार एवं दंड आधारित होता है। मतलब उन्हें पुरस्कार चाहिए या फिर दंड, मतलब कुछ अच्छा काम करेंगे तो उन्हें पुरस्कार मिलेगा, कुछ गलत करेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा। इस पे उनका यह आधारित रहता है 5 से 8 वर्ष की आयु। तीसरा हुआ हमारा बाह्य अधीनता चरण, जो 18 से 13 वर्ष है, इसमें पारंपरिक आदान प्रदान पर आधारित होता है, सहयोग का नैतिकता का भाव आता है।
बच्चों में जो है इसमें आदान प्रदान की आधारित हो जाती है, जैसे कि तुम ये करो तो मैं ये करूँगा, नहीं होता है कि जैसे पहले हम लोग में भी होता था कि तुमको हिंदी आती है तो तुम हमें हिंदी बताना, मैं तुमको इंग्लिश में पास करा दूँगा, ऐसे ही आदान प्रदान की उक्ता आती है और एक दूसरे का सहयोग की नैतिकता भी इनके भाव आने लगती है। चौथा है हमारा स्वायत्तता चरण, बच्चा जो है इसमें नैतिकता की ओर ज़्यादा बढ़ता है, मतलब इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगता है और अपना निर्णय जो है वो खुद ही लेने लगता है, बात बात पे वो निर्णय लेगा और ज़्यादा मोरल होगा, इसी को हम स्वायत्तता चरण कहते हैं। तो ये हमारी चारों भाग हुई, नैतिक विकास के ही हमारे चारों भाग हुए हैं, अनामी, बाह्यधीनता, बाह्यधीनता और फिर स्वायत्तता चरण, ही हमारे अनामी चरण के भाग चारों हैं। और फिर आपको पता होगा जीन पियाजे ने जो है ये थ्योरी 1932 में आई थी जीन पियाजे द्वारा, यहाँ पे हमने लिखा भी है जिसे आप नोट कर सकते हैं। ये थ्योरी जो है 1932 में आई थी, इन्होंने चार चरण और दो कारण बताए हैं, इन्होंने चार चरण और दो कारण बताया है। अब आप सोचोगे कि चार चरण कौन से हैं और दो कारण भी कौन सा होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। अभी अभी जो मैंने आपको ये चारों बताया है, अनामी, बाही, फिर बाही, फिर सतत, ये हमारे क्या है, चारों जो हमारे हैं चरण हैं और जो दो कारण हैं वो हमारा ये हुआ, पहला बाल्यावस्था में नैतिक विकास और दूसरा हुआ किशोरावस्था में नैतिक विकास। तो ये दोनों हमारा कारण हुआ और ये चारों जो है हमारा चरण हुआ। तो इन्होंने चार चरण और दो कारण बताए हैं, जो पेपर में हमेशा पूछता है कि जीन पियाजे ने कितने चरण और कितने कारण बताया है, तो आपको पता होना चाहिए कि चार चरण और दो कारण इन्होंने बताया है। तो ये हमारा था जीन पियाजे का। अब बात करते हैं कोलबर्ग का, इनकी थ्योरी जो है 1969 में आई थी, इन्होंने बच्चों को मोरल डेवलपमेंट को तीन भागों में बांटा है। अब आप सोचोगे कौन कौन सा, तो पहला हुआ पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा हुआ परंपरागत स्तर, तीसरा हुआ उत्तर परंपरागत स्तर। तो ये तीनों हमारा क्या है, जो ये है तीनों हमारा भाग है, जो इनको कोलबर्ग ने, यहाँ पे हमने लिखा भी है, कोलबर्ग ने जो ये बताया है थ्योरी नैतिक विकास का। अब हम कोलबर्ग के बाद कोलबर्ग का पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें हम आगे पढ़ रहे हैं। चलिए, लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों को नैतिक विकास की व्याख्या करने के लिए संज्ञानात्मक सिद्धांतकार जीन पियाजे ने पहले काम पर विस्तार किया जो उनका मानना था कि नैतिक विकास चरणों की एक श्रृंखला है। समझे आप, मतलब लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों की नैतिक विकास की व्याख्या करने के लिए संज्ञानात्मक सिद्धांतकार किए, लेकिन जीन पियाजे ने पहले काम पर, जीन पियाजे ही सबसे पहले किए हैं, विस्तार किया जो उनका मानना था कि नैतिक विकास जो है वो चरण की एक श्रृंखला है। आइए देखते हैं, इनके अनुसार सोचना और तर्क करना नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा, कोलबर्ग के द्वारा। बच्चों को नैतिक निर्णय उनके बौद्धिक विकास, पालन पोषण और अनुभव का परिणाम है। ये किनके द्वारा दोनों है, ये कोलबर्ग के द्वारा है, ये दोनों टॉपिक है। इनके अनुसार सोचना और तर्क करना नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और दूसरा हमारा हुआ कि बच्चों को नैतिक निर्णय उनके बौद्धिक विकास, पालन पोषण और अनुभव का परिणाम है। अच्छा, अब बात करते हैं, इन्होंने जो है तीन भागों में बांटा है जो हम आपको अभी भी ऊपर बताए हैं। अब बात करते हैं आगे, पहला जो है प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर। अब ये क्या होता है, प्राक रूढ़ नैतिकता स्तर, ये क्या होता है, ये जी मतलब जन्म से लेके 10 वर्ष तक होती है, ये क्या है। तो इसमें हमारा दो स्टेज है, पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता और दूसरा है साधनात्मक सापेक्षा। अब ये क्या होता है, तो पहला हमारा है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे बच्चे जो हैं अभी जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस, हम लोग नहीं कहावत में कहते हैं
कि मतलब बात बात पे डराना कि ये करो नहीं तो मार दूंगा, ये करो नहीं तो ये करूंगा, ऐसे ही जैसे कुछ कह के अपना काम करवा लेते हैं। इसी को हमने एक कहावत में लिखा है कि जिसकी लाठी उसकी भैं। दूसरा हमारा हुआ साधनात्मक सापेक्षा, इसमें है खुद के लिए सोचता है फायदे का। अगर बच्चे इसमें खुद के बारे में सोचते हैं, जैसे आप बच्चों से कहो कि ये काम कर दो मैं टॉफी दूंगा, तो वो अपने फायदे के लिए है कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें उनका फायदा होता है। दूसरा हमारा है रूढ़िगत नैतिकता स्तर। रूढ़िगत नैतिकता स्तर ये 10 वर्ष से लेके 13 वर्ष तक होती है। इसमें भी हमारा 2 स्टेज है। कौन कौन सा? पहला है अच्छा बच्चा अच्छी बच्ची बनने की अवस्था, और दूसरा हमारा है कानून एवं व्यवस्था अनुमुक्ता। तो जो ये पहला हमारा स्टेज है अच्छा बच्चा और अच्छी बच्ची बनने की अवस्था, इसमें क्या होता है तो इसमें दोस्तों लड़का हो या लड़की अच्छा बनते हैं दूसरों के सामने भोला भाला। जैसे पहले कैसे हमारे घर कभी कोई आता था तो जो बच्चे छोटे होते थे जैसे हमारे छोटे भाई बहन, तो जैसे कि इतने भोले भाले सीधा साधा बनते हैं उन, मतलब जो गेस्ट हमारे घर आते हैं उनके सामने नहीं कहते हैं कि बच्चा बहुत सीधा साधा है बहुत अच्छा है। वही बात है कि दूसरों के सामने वो अच्छा बनने का नाटक करते हैं। दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता। बात बात पे कानून की बात करता है, जैसे नहीं है ये करो वो करो तो नहीं कहते कि ये नहीं करोगे तो पुलिस बुला दूंगा, वो नहीं करोगे तो पुलिस बुला दूंगा। जैसे बात बात पे हम डराते हैं बच्चे, वही बात है कि यहाँ पे वो बात बात पे डराया करते हैं, कानून की बात करते हैं। तो ये तो हमारा दोनों स्टेज हम अभी भी जो बताए हैं वो रूढ़िगत नैतिकता स्तर का है जो 10 से 13 साल की उम्र की होती है। अब बात करते हैं रूढ़िगत उत्तर नैतिकता स्तर, ये जो है 13 साल से लेके 18 साल तक होती है। इसमें भी हमारा 2 स्टेज होता है। पहला होता है सामाजिक अनुबंधन अनुमुक्ता और दूसरा है सार्वभौमिक नैतिकता उन्मुक्ता। तो पहला जो हमारा है सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता, इसमें समाज के लिए सोचने लगते हैं। जैसे बच्चे हों तो समाज के बारे में सोचते हैं ये वो, मतलब ये करें वो करें समाज के लिए। जैसे कोई पड़ोसी में बीमार है तो उनके लिए जल्द दवा ला देंगे, ऐसे ही समथिंग ऐसे कुछ कुछ। तो फिर दूसरा हमारा हुआ सार्वभौमिक नैतिकता उन्मुक्ता, इसमें वो अपना अपने निर्णय को आंतरिक से लेते हैं, जो सोचता है वही करता है। मतलब इसमें जो है वो 18 साल के पूरे हो जाते हैं और वो अपना निर्णय खुद ही लेने लगते हैं। जैसे वो सोचते हैं कि जो वो सोचते हैं वो सही है, उनको ऐसा लगता है मगर ऐसा होता नहीं है, और वो जो सोचते हैं वही करते हैं लेकिन ये गलत है। तो कोहलबर्ग ने है इन्होंने 6 चरण और 3 कारण बताए हैं। एग्जाम में पूछेगा कि कोलबर्ग जो हैं वो कितने चरण और कितने कारण बताए हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे हमने लिखा भी कि इन्होंने 6 चरण और 3 कारण बताया है। तो 6 चरण हमारा हुआ कौन कौन सा? अभी जो हमने आपको यहाँ पे बताया है ये हमारा 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 चरण हैं। और 3 कारण कौन कौन सा है? 3 कारण हमारा ये है 1 2 3, ये तीनों हमारे कारण हैं और 6 जो हमारे थे वो क्या है? चरण हैं। तो कोलबर्ग ने 6 चरण और 3 कारण बताए हैं। और जो हमारे वो थे क्या कहते हैं उनको, जीन प्याजे जो सर थे उन्होंने भी बताया है, उन्होंने भी 4 चरण और 2 कारण बताया है। तो ये तो था हमारा आज नैतिक विकास का सिद्धांत। तो हमें लगा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हमने अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।